माफिया मुख्तार पर इनकम टैक्स के वार के बाद अब ईडी भी प्रहार करने की तैयारी कर रही है। एक तरफ मुख्तार की संपत्तियों को इनकम टैक्स लगातार कुर्क कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईडी ने भी अब चाबुक चलाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो पंजाब और दिल्ली में मुख्तार और उसके कुनबे की 2 दर्जन से ज्यादा संपत्तियों का पता लगाया जा चुका है और जल्द ही इन संपत्तियों के जरिए मुख्तार और उसके चहेतों पर विपत्तियों की आमद होने वाली है। मुख्तार पर इनकम टैक्स का वार, अब होगा ईडी का प्रहार। यूपी, दिल्ली और पंजाब से जुड़े हैं बेनामी संपत्तियों के तार। जेल में दिन गिन रहा मुख्तार, ईडी शिकंजा कसने को तैयार। माफिया मुख्तार अंसारी जेल में अपनी सजा के दिन गिन रहा है और इधर एजेंसियां उसकी बेनामी संपत्तियों की गणना कर रही है। लखनऊ के डालेबाग में तकरीबन 1.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर आईटी के वार के बाद अब ईडी भी मुख्तार पर प्रहार को तैयार है। जांच के आधार पर कहा जा रहा है कि मुख्तार ने अपने करीबी जितेंद्र सापरा के नाम से दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी में तमाम संपत्तियों को खरीदा था। जितेंद्र सापरा के जरिए मुख्तार ने अपनी काली कमाई के करोड़ों रुपए रियल एस्टेट में निवेश किए थे। जितेंद्र सापरा मुख्तार के ससुर जमशेद राणा की कंपनी प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का असली कर्ता धरता है। इस कंपनी के जरिए बेनामी संपत्तियों को खरीदा जाता था, जबकि विकास कंस्ट्रक्शंस के नाम पर भी बुंदेलखंड इलाके में तमाम भूखंड खरीदे गए थे। ईडी ने उरई और जालौन में 3.50 करोड़ कीमत की संपत्तियों को कुछ महीने पहले ही जब्त किया था। एक दिन पहले भी लखनऊ के डालेबाग स्थित मुख्तार अंसारी की बेनामी भूखंड को जब्त कर उस पर करारा वार किया गया था। आयकर विभाग ने रविवार को लखनऊ के डालेबाग में 1.5 करोड़ कीमत वाले जिस भूखंड को जब्त किया है, उसे गाजीपुर निवासी तनवीर सहर के नाम से खरीदा गया है। आयकर विभाग ने तनवीर को पूछताछ के लिए तलब किया, लेकिन वो पेश नहीं हुई। तनवीर को मुख्तार के करीबी नियाज की पत्नी बताया जा रहा है। जांच में उसके द्वारा कभी आयकर रिटर्न भरे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, जिससे ये भूखंड खरीदने की उसकी आर्थिक क्षमता सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।